सिस्टर क्या नाम है आपका? सुनैना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पठानकोट के। आपकी मैरिज जनवरी 2020 में हुई? हाँ जी। और मैरिज के बाद जब आप सितंबर 2020 में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? अपनी गवाही खुल के बताइए सबको आप। ब्रदर, नवंबर बीच मेरा मिसकैरिज हो गया। मिसकैरिज तो बाद जो डॉक्टर ने चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोलिया कि तुहाडा बेबी दी हार्ट बीट नहीं बनी, जिदे करके बेबी ग्रो नहीं कर रहा, तो थोड़ा मिसकैरिज हो गया। उस समय प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा था? तीसरा महीना। तीसरे महीने में आपका मिसकैरिज हो गया। हाँ जी। डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या कारण है इसके पीछे? डॉक्टर ने यही बोलिया कि हार्ट बीट नहीं बनी बच्चे दी, ते बच्चे दी ग्रोथ नहीं हुई। और प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपका मिसकैरिज हो गया। हाँ जी। उसके बाद आपने मेडिसिन भी खाई, दवाइयां भी खाई, और उसके बाद जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो जब आपने फिर, आपको यहाँ का कैसे पता चला था चर्च के बारे में? ब्रदर, मैं पहला ही मैरिज तो पहला ही मेरे मम्मी ठीक नहीं रहते सी, ते 2017 तो खामड़ा चर्च ना जुड़ी हुई सी। और तब से आपने लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू किया। हाँ जी। और आपका विश्वास था कि परमेश्वर मुझे जरूर ब्लेस करेगा। हाँ जी। फिर जब ये बहन 2 अप्रैल 2021 की गुड फ्राइडे मीटिंग में आए, तो उस समय जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। आज हर वो ब्लेसिंग जो गर्भ की आपकी लाइफ में एंटर करे अगर आपको चाहिए तो, आज हर वो ब्लेसिंग जो फाइनेंस की एंटर करे लाइफ में, यीशु मसीह के नाम आमीन। ऊंचा याशिश आपके। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने जीवन में रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर, 1 महीने बाद मैं टेस्ट किया था, मेरा टेस्ट पॉजिटिव सी। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दें। और जिस तरह आपका तीसरे महीने में पहली बार जो मिसकैरेज हो गया था, आपका बेबी खराब हो गया था, और जब आपने इस बार परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद अगले महीने आप प्रेग्नेंट थे, और उसके बाद परमेश्वर ने आपको 28 नवंबर 2021 को परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया, और इस बार प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं ब्रदर। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दें। जोर से इस ब्लेसिंग के लिए तालियों के साथ सब सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें, जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। आज जितने भी लोग फर्स्ट टाइम पहली बार आप परमेश्वर की हुजूरी में आए, आप ब्रांचेस में बैठे या ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, आज केवल फेथ करें, विश्वास करें, क्योंकि बाइबल में लिखा जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो नहीं हो सकती। अगर आपका फेथ है, आपका विश्वास है, तो आपको लगता होगा कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, आपको लगता होगा आपकी बीमारी बड़ी है, आपकी मुसीबत बड़ी है, कि शायद ये खत्म नहीं होगी या इसको टाइम लगेगा, लेकिन परमेश्वर के लिए वो एक चींटी के समान भी नहीं, वो इतनी छोटी है। आज आप ब्लेस होके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, अपनी अपनी गवाही को, अपने मिरेकल को लेके वापिस जाएंगे। तारीफ करो सब अपने हाथों को हिलाते हुए, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब 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 अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर जी तारीफ करते जाएं।